चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो बवाल मचा ही हुआ था, लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर बवाल क्यों है। अब ये शेड्यूल को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ये जो ड्राफ्टेड शेड्यूल के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा, बदलाव होने वाला है। और एक YouTube चैनल पर PCB की तरफ से ये बयान लगभग कुछ आप कह सकते हैं कि तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया गया था या उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, ऐसा PCB का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जो प्रेसिडेंट है PCB के मोहसिन नकवी, उनके बयान को किसी गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। पहले आपको बता देते हैं कि उनका बयान क्या था। उन जो बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बयान भी दिया था, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि घरेलू मैचेस यानी कि जो डोमेस्टिक मैचेस हैं पाकिस्तान के, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेडियम्स हैं जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, वहाँ पर काम चल रहा है, उन्हें रेनोवेट किया जा रहा है, उन्हें एक तरीके से पूरा दोबारा से तैयार किया जा रहा है, जिस वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसे शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स चलने लगी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में भी यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है, उसे डिले किया जा सकता है। तो ये जो पूरे अप्स एंड डाउन्स हुए इस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की खबरों में, उसी के बीच में अब PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं और उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी उनको उन्होंने खारिज कर दिया है। और प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा है, ये निराशाजनक है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष मोहसिन नकवी के बयान को गलत तरीके से पेश किया। सुरक्षा चिंताओं की वजह से ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तारीखों में बदलाव की संभावना पर उन्हें भ्रामक रूप से पेश किया गया, जिससे बेवजह सनसनी पैदा हुई, ये बयान था। इसके आगे भी PCB की इस प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि मीडिया से बातचीत के दौरान, जो PCB के आधिकारिक YouTube चैनल पर मौजूद भी है, PCB अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि 3 नामित स्टेडियमों को रीडेवलपमेंट और रीडिजाइन तय समय पर पूरा कर दिया जाएगा, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयारी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ये पूरी खबर थी कि ये जो पूरा स्टेडियम्स रेनोवेट किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान इसे चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाएगा, लेकिन PCB ने प्रेस रिलीज करके इस चीज़ को क्लियर किया है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित करने के लिए। इसके आगे प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि PCB अध्यक्ष ने इस बात का भी जिक्र किया था कि डेवलपमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ घरेलू मैचों को शिफ्ट करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये किसी भी तरीके से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से संबंधित नहीं है। यानी कि जो आप रिलेट कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक मैचेस शिफ्ट किए हैं बाकी के स्टेडियम्स में, इसका चैंपियंस ट्रॉफी से कोई भी लेना देना नहीं है, ये किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान पूरे तरीके से तैयार है और स्टेडियम्स भी जो हैं वो तय समय से पहले तैयार हो जाएंगे। तो ये जो खबर है निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर स्टेडियम्स तैयार कर भी लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी, क्योंकि अभी भी BCCI ने हामी नहीं भरी है कि भारत जो है, भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। अभी तक यही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और एक बार फिर से एशिया कप 2023 की तरह इसे हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट करने के जोर दिया जा रहा है कि इसे हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाए, यानी कि भारतीय टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में ना खेलकर किसी और जगह पर खेले और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भी जो है वो भी पाकिस्तान में ना रखकर किसी और जगह पर शिफ्ट किए जाने पर अभी भी जोर दिया जा रहा है। अब पूरा ये शेड्यूल जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये PCB ने क्लियर कर दिया है, लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी, इस पर अभी भी फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है और अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये जो बवाल मचा हुआ है ये थमा नहीं है, इसके और आगे बढ़ने के आसार अभी फिलहाल हमें नजर आ रहे हैं।